किसी ने बहुत खूब कहा है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो ये बलूचिस्तान की मिट्टी है, बड़ी ज़रखेज़ है, यहाँ पे हुनर की कोई कमी नहीं है। यहाँ के नौजवान वो कुछ कर सकते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स और यूथ कर सकती है। तो आज मैं बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद की तहसील उस्ताद मोहम्मद के एक नौजवान लड़के से मिलाना चाहता हूँ। वो जो खुद एक 5th क्लास का स्टूडेंट है, उसने अपने तजुर्बे करके बहुत सी चीज़ें ऐजाद की हैं। आज वो हमारे पास वो 2-3 चीज़ें लेकर आया है जो आपको हम दिखाएंगे और उनकी उनसे आपको मुलाकात भी कराएंगे। जिसका नाम है मनोज कुमार, ये बलूचिस्तान स्कूल में 5th क्लास का स्टूडेंट है। इसने एक चीज़ बनाई है, एक फ़ैन बनाई है, फ़ैन बनाया है और वो फ़ैन के ऊपर इसने फिट किया है। जो गर्मी में स्टूडेंट्स लिख लिख के थक जाते हैं, उनको पसीना आता है, तो वो फ़ैन चलता है। उसके अलावा इसने एक पावर बैंक ऐजाद किया है। सफ़र के दौरान जो लोग जाते हैं उनकी मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, तो उसको वो चार्जर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा इसने अपनी बैटरी भी बनाई है और दूसरी काफ़ी चीज़ें इसने बनाई हैं। तो आज आपको मिलाते हैं मनोज कुमार। पहले आप ये बता दो कि आपको ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, आप नई नई चीज़ें बनाते हो? पहले सर मैं यूट्यूब से देखता हूँ। अच्छा, तो पहले ये मुझे बता दो कि आगे चल के आप क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर। अच्छा, ये आपने जो पेन बनाई है ये हमें यूज़ करके दिखाएं, ये कैसे चलेगी? अच्छा, ये आप खुद की तरफ करके देखो। अच्छा, ये लिखेगी भी सही? पॉइंटर पेन है। अच्छा, इसको दोबारा चलाओ, कैमरे की तरफ कर लो, हवा दे रहा है। अच्छा, इसको चार्ज आप कैसे करते हो? ये सारे वायर ना, ये जो सर आप अलग देख रहे हैं ना, इसको सर जैसे आप कनेक्ट करते हैं ना, ग्रीन लाइट चलती है। ये सर ये बता दिए कि ये भी से टच सर मीटर करंट आ रहा है, इसको आप ऐसे अटैच कर देंगे और ये पावर बैंक में जैसे लगा देंगे ना, तो सर अभी चार्ज हो गया। अच्छा, ये आपका पावर बैंक है? ये सर ये पावर बैंक है। ये सर देखिए ग्रीन लाइट रेड हो गई, यानी मतलब इसका इसको चार्जिंग मिल रही है। अच्छा, ये आपका पावर बैंक मोबाइल को भी चार्ज करेगा? यस सर करेगा। चलो इस मोबाइल को करके दिखाओ चार्ज। अगर कैमरा भी इधर आप लगा दें, ये पावर बैंक में लग गए, ये देख सकते हैं चार्ज हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपने साइकिल में क्या फिट किया है? मैंने सर साइकिल में डिफरेंट लाइट यूज़ किया और सर इसमें मैंने 5 सेल यूज किए, 2 ऊपर से लगे हुए, 3 नीचे से, और सर 2 बैटरीज भी है। आपने खुद बनाई? यस सर खुद बनाई। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे सर ये लाइट चलेगी, अगर सर आप किसी वाटर पम्प चलाना चाहें तो वो सर चलेगी आराम से। अच्छा, घर वाला वाटर पम्प? हाँ सर, जो 12 वोल्ट का होता है। 12 वोल्ट का? ये वोल्ट इसका कितना है साइकिल? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट, 12 वोल्ट 15 एम्पीयर। यहाँ सर आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं, पंडक भी लगा हुआ है। अच्छा, ये चार्ज बिजली के बोर्ड से भी काम? बिजली के बोर्ड से सर, जो चार्जर होता है ना सर, जैसे कि आप से सर 5000 एमएच की है। अच्छा, 5000 एमएच कितने घंटे चलाएगा ये सर? अगर आपका सर छोटा मोबाइल हो सर, बैटरी की एमएच कम होगी ना मोबाइल की, तो सर ज़्यादा देर तक चलाएगा। अच्छा अच्छा, आगे आप जो तजुर्बा करने जा रहे हो, आपके जहन में क्या आइडिया है, आगे आप क्या बनाना चाहते हो? आगे सर मैं एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक बाइक बनाना चाहते हो सर?